हे मुनि, मेरे आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात उन पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतः कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। तात्पर्य, विदुर ने भगवान की प्रेम भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे, जैसे कि भगवद गीता 2.41 में वर्णन हुआ है कि भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। विदुर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना दीन रहता है। उन्होंने मैत्री मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि वे मैत्री वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। 41 श्लोक, मैं सीधा अनुवाद कर रही हूं। हे अनग, इन सारे प्रश्नों से के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं से अत्यधिक बढ़कर है। शिष्य को वाचा, शिक्षुदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह से वे मुनियों के प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों के विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान की दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। मैं तात्पर्य पढ़ रही हूँ। सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसे केवल भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान करना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाले तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। मैत्र के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे अपितु अपनी वसुधामय प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों के उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर है। मैत्र मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति। ओम अज्ञानति निरन्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाभ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं दापि स्वपदाम्बिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपतिकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सैवं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सैवं ललिताश्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मांगी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारी श्रीगुरु हरे कृष्ण। तो आज हम तीन श्लोक भागवतम के पढ़े जाने के साथ सातवां स्कंध सातवां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आज विदुर जी आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके इन सभी आंसर से इंग्लिश में पढ़े तो इम्यूनिटी वर्ड था वहां पर इम्यूनिटी बढ़ जाएगा है ना के लिए तो यहाँ पर है भौतिक कष्ट से मुक्ति दिला देता है दिला सकेगा बट इंग्लिश में पढ़ने से यहाँ पर वर्ड था इट विल गिव इम्यूनिटी टू द कमिंग तो आज उन्होंने सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है कि मैंने आपके समक्ष सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। वो क्या चाह रहे हैं कि हम मैत्री मुनि उनको क्या बताएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को बताएं। उन्होंने कहा मैंने प्रश्न किसलिए रखा है ताकि मैं भगवान की लीलाओं को जान सकूं। आप सबों के मित्र हैं अतः कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। तो किन की दृष्टि नष्ट हुई है जो भौतिकवादी लोग हैं और उनको पता था कि इस भागवतम के तुरंत बाद कलयुग आने वाले हैं तो सुखदेव गोस्वामी भी सिर्फ वो प्रसंग उठा रहे हैं जहां जहां जिसने पूछा। आप देखिए क्या स्टोरी की सच चल रही है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं फिर सारे ऋषिगण पूछ रहे हैं और जो भी इंस्टेंसेस उठाए जा रहे हैं पास्ट में से जहां जहां जो जो वार्तालाप हुई वो सारे उठाए जा रहे हैं जो कलयुग के प्राणियों के लिए फायदे नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि जो कलयुग आ रहा है वहां पर ये सब चीजें लिपिबद्ध की जा रही है। व्यासदेव जी सब चीज लिपिबद्ध कर रहे हैं और हर चीज अब उनके पास जाने वाली है जो कलयुग के अंदर जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। अच्छी कोई बात नहीं खेल लीजिए आप आराम से निश्चित रहिए। तो दिन की जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है तो जिनकी दृष्टि किनकी दृष्टि नष्ट हो गई है वहां पर दोनों संत बैठे हैं तो किनकी बात की जा रही है हमारी जो हम कलयुग के प्राणी हैं हमारी दृष्टि नष्ट हो गई है इसलिए हमारे लाभ के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि हरि की लीलाओं का जानने का उद्देश्य है मेरा और फिर वो बोल रहे हैं कि आप तो सबों के बहुत अच्छे मित्र हैं तो जीवों का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है। तो एक दोहे में भी आता ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके ना कर पाए बलि हरि गुरु आपने गोविंद दियों मिला। गुरु हमारे लिए गुरु तब है जब उन्होंने गोविंद दियों मिलाए। गुरु हमारे लिए प्राइमरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने गोविंद दिया मिलाए क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने हमारे को भगवान के दर्शन कराए हमारे को भगवान को बताया कौन है भगवान। चारों वेद उनको नहीं पढ़ा थोड़ा 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 ऊपर ऊपर से कभी पढ़ा था
मगर चारों वेद पढ़ने के बाद, मतलब जब मैं अगर अपनी स्थिति बताऊं तो मैं बिल्कुल एथिस्ट बन गई थी। मतलब मैं सोचती थी कि सब हो गए। चारों वेद पढ़ने के बाद भी हरि का नाम समझ में नहीं आता था, सिर्फ ऐसा लगता था कि सब चीजें फॉर्मेलिटी है। मगर जब शिव प्रपद शरण में आए और वो सारी चीजों को जानने का मौका मिला, तब समझ में आया कि वेद कोई और दिशा नहीं जा रहे, बात तो वो यही कह रहे हैं मगर वो बात इतनी डाइल्यूटेड है कि एक इंसान को समझ में आ ही नहीं सकती। वो इतने ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में है कि ये कर लोगे ये हो जाएगा, वो कर लोगे वो हो जाएगा, कि हरि को, भगवान कृष्ण को समझा ही नहीं जा सकता वहां से। इसीलिए जब व्यासदेव जी वेदों का रचना कर चुके तब भी वो बहुत ज्यादा कहते संतुष्ट नहीं थे। नारद जी ने उनको कहा कि आप भगवान के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, जब भगवान के बारे में बताएंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम वेदों को पढ़ लेते हैं, मगर अगर आप सोचें कि हम वेद पाठी हैं, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है, हमें सारे वेदों का ज्ञान है, तो अल्टीमेटली आपको बेसिकली इट इज जीरो, कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब तक वो जीरो 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 तो जिसमें कह रहे थे कि एक जीरो दो जीरो दस जीरो लगा लें, मतलब उसके आगे एक कृष्ण अगर ऐड नहीं है, वो एक कौन है? एब्सोल्यूट। वो कौन है? कृष्ण। वो जब तक आगे नहीं लगेंगे तब सारे जीरो व्यर्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुहृदम, भगवान कह रहे सर्व सुहृदम सर्वभूतानां, मगर हम जीवों के लिए सुहृदम सबसे ज्यादा कौन है? जो हमें प्रचार कर रहा है, सब गुरु जो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, ये सभी जो कभी हमारे उंगली पकड़ के या कहीं साइकिल में बिठाकर या कहीं पर होता ना ऐसे करके लेके आए थे मूवमेंट में कि चलिए चलिए वो क्लासेस में लेके चलते हैं, है ना। कहीं फोन किया था हमें, कह रहे आज हम क्लास में नहीं आए और हम बहराबाजी कर रहे थे, कह रहे आज ये काम था वो काम था। तो वो जो पथ प्रदर्शक गुरु था जो उंगली पकड़ के हमें कभी इस मूवमेंट में ले आया था, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसके बाद वो जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, और सबसे प्राइमरी शिक्षा कौन दी? सबसे एमिनेंट शिक्षा गुरु कौन है? शिव प्रभुपाद। शिव प्रभुपाद की ही शिक्षाओं को हम लोग तोते की तरह बोलते हैं और सोचते हैं कि हम सबके बेस्ट फ्रेंड बन गए, बट असली बेस्ट फ्रेंड कौन है? श्री प्रभुपाद है। और वो आचार्य हैं जिन्होंने हमें दीक्षा दी, क्योंकि उन्होंने हम सबको निष्पाप करके आगे बढ़ने का मौका दिया। नहीं तो हमारे तो अनर्थ अनर्थ जन्मों के इतने पाप थे कि हम इस मूवमेंट इस ज्ञान को समझने के लायक ही नहीं। हम भगवान को भोग ऑफर कर दें, हम चैंटिंग कर लें, उस लायक है ही नहीं। कहते जब सभी यज्ञ दान तपस्या से श्लोक में भी आया है कि ऐसा दान समस्त, कौन सा दान? भगवान के ज्ञान का दान, समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्या इत्यादि से बढ़कर है। तो जब कोई प्रीचिंग करता है तो हम कहते हैं प्रभुपाद जी कहते प्रीचिंग इज अ सेंस। व्हाई प्रीचिंग इज अ सेंस? बिकॉज जब कोई प्रीचिंग करता है तो भगवत गीता भगवान ने क्या कहा है? वो सबसे ज्यादा मेरा प्रिय हो जाता है, वो सबसे ज्यादा मेरा प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान खुद यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि ये उसने वो दान किया जो सारे यज्ञ दान तपस्याओं से बढ़कर है। और जितने महाप्रभु ने जब गोस्वामी को यहाँ सभी गोस्वामी से वृंदावन भेजा तो उनको एक बोला कि जरूरत पड़े तो मुख खोल लेना, मतलब कि अपने आचरण से उन्होंने कहा कि आप प्रीचिंग करिए। अगर हम दुखियस हैं आचरण में, मतलब हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो हम प्रीचिंग नहीं कर सकते, हमारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर हम सोचें
जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में बता रहे हैं। एक बार हमारे मेरे मेंटर ने मुझे बोला था, एक लेक्चर में हमने बोला था, सबको बोला था कि अगर हम हर लेक्चर से सिर्फ एक पॉइंट ले जाएं और उसको अपने जीवन में उतार लें, कोई एक लाइन, तो हम भक्ति में रॉकेट की स्पीड से बढ़ सकते हैं। हम सभी लेक्चर्स को बड़ा कैजुअली लेते हैं, सुनते हैं और प्रसाद पाते हैं, घर चले जाते हैं। मगर हम उसमें से कोई एक लाइन अपने जीवन में नहीं उतारते। तो हर लेक्चर में, क्योंकि हमारा प्रभुपाद की दया से मॉर्निंग इवनिंग श्रवण है, कहीं ना कहीं हम रीडिंग भी कर रहे हैं प्रभुपाद की बुक्स का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भक्तों के संग में रहे, कुछ ना कुछ कृष्ण कथा सुनने को मिलती ही रहती है। तो वो सारी कृष्ण कथा से अगर हम हर रोज, हर कथा से, हर वार्तालाप से अगर हम एक लाइन अपने अंदर उतार लें, तो उसके बाद हमारा जीवन बहुत जल्दी जल्दी अपने गोल की तरफ चल पड़ेगा। तो हमें हर क्लास से क्या करना है, एक लाइन लेके जानी है। एटलीस्ट मेरी क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास के बाद सब लोग अपनी अपनी लाइन बताएंगे कि आज हमने क्या लाइन घर लेके गए, है ना। तो आज का जो श्लोक है उसके अंदर एक और लाइन बोली गई है कि सारे प्रश्नों से जो आपके द्वारा दिए जाने वाले हैं, उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। जो आप उत्तर देने जा रहे हैं, मतलब जो अब आठवें अध्याय के अंदर जो उत्तर आने वाले हैं, उन सभी उत्तरों से क्या होगा, समस्त भौतिक कष्टों से इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, ऐसा नहीं, मेडिसिन नहीं है, आपको मैं समझाती हूँ। 20 कहते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स है कि लगभग अंदाजा है कि 20-25% पॉपुलेशन को कोरोना है। इट्स अप्रोक्सीमेटेड, अभी भी आए, अभी इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि वो 20-25% पॉपुलेशन का है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में प्रूव हो रहा है इस बात का। स्टडी जितने टेस्ट कर रहे हैं उसका इतना परसेंटेज आ रहा है, मगर सिम्टम नहीं आ रहे, सिम्टम नहीं आ रहे, न खांसी है, न जुकाम है, न बुखार है, कुछ सिम्टम नहीं है। टेस्ट करते पॉजिटिव निकला था, सिम्टम नहीं है, मगर फिर भी टेस्ट पॉजिटिव निकला है। वो इसलिए नहीं आ रहा सिम्टम, क्योंकि हमारे अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, मतलब हमारी जो फाइट करने की पावर है उसकी टांग से वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हमारे को वो भी तो पता नहीं चल रहा है। और जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको पकड़ रहा है। तो पॉपुलेशन कितनी इफेक्ट हो रही है, 0.001%, और है वो 20 के आसपास। तो वो इफेक्ट, इतना डिफरेंस क्यों है, इतना डिफरेंस इसलिए कि इम्यूनिटी है। अब ऐसे ही हम सबके ऊपर माया का अटैक होता है, जैसे कोरोना का अटैक होता है, ऐसे माया का भी अटैक होता है। माया का अटैक कैसे होता है, कभी कभी हम कोई प्रजल्पा कर लेते हैं, अरे हमें पता नहीं है आज यहाँ पे क्या हो रहा है पीछे पीछे, है ना, अरे हमें पता है भक्तों के बारे में। हम कृष्ण लीला को डिस्कस करने के बजाय हम माया डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, हम बहुत सारी माया डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, माया का अटैक। कभी कभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, दरवाजा बंद कर, सेफ जोन में रहे। हाँ जी,
इम्यूनिटी जो है वो हमें किस चीज से चाहिए? माया के अटैक से। और माया ये देखती है कि अच्छा, ये जन्मों जन्मों के मेरी गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो सिर्फ इंद्रदेवती के पीछे भागा करता था, अभी सब कुछ छोड़ के क्या कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे। ये माला क्या है अपनी? स्टेन गन है ना, हम एक गन निकाल लेते ना और अंदर जो गोलियां चल रही है, गुरु महाराज कह लेते हैं कि ये सब क्या है? स्टेन गन की गोली है, AK-47 दिख रहा है, खड़खड़ 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 चल रही है ना। तो ये माया के अटैक से रोकने के लिए है, और माया के अटैक से रोकने के लिए जप है। मैं कवच क्या है? साधु संग। ये जो मैत्री मुनि प्रश्नों का जवाब देने जा रही है, ये ज्ञान हमारा कवच है। एक तो हो गया जब हम तीर छोड़ रहे हैं, एक तो हो गया तीर छोड़ रहे हैं, तीर छोड़ रहे क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितने तीर छोड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा दुश्मन कमजोर हो जाएगा। और दूसरा चाहिए कवच कि जो तीर आ रहे हैं वो हमारे को इफेक्ट ना करे। जो इन्फेक्शन आ रहा है वो हमारे को इफेक्ट ना करे, उसके लिए क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए। और वो इम्यूनिटी किस फॉर्म में चाहिए? ज्ञान, भगवान का ज्ञान। जब भगवान का ज्ञान हम इस तरह के संतों के मुंह से सुनते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? कवच। जब हम बैटल फील्ड में उतरते हैं तो क्या चीज चाहिए होती है? दो चीज चाहिए होती है, एक अस्त्र जिससे हम लड़ाई करें और दूसरा कवच है ना, ताकि कहीं से अटैक आए तो वो कवच हमारे को जख्मी ना होने दे। तो वो जो कवच है वो ज्ञान है, और जो हमारा अस्त्र है वो क्या है? हरि नाम, जिससे हम माया पे अटैक कर रहे होते हैं। तो ये ज्ञान जो हमें दे रहा है, जो हमें कवच पहना रहा है, वो हमारे लिए क्या बन गया? हमारा सबसे अच्छा मित्र। क्योंकि अगर हम निहत्ते माया से अटैक करने माया रानी से जाएंगे, माया रानी कौन है? दुर्गा देवी। अरे चलो नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बस देखिए गिरे ना। तो हमारा जो कवच है वो देने वाला हमारा सबसे अच्छा क्या है? मित्र है। तो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो माया से फाइट करने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो भगवान को जाना चाहते हैं, मगर ना तो उनके पास कवच है और ना ही अस्त्र है। ना तो उनके पास कवच है ना ही अस्त्र है, क्योंकि उनके पास जो अस्त्र है वो धार वाला नहीं है, काम नहीं करता है ना? पुरानी गंदी है जो चलेगी नहीं, वो दिखाने के लिए, उनके मन की खुशी के लिए कि हाँ मेरे पास गन है, और ना ही उनके पास कवच है साधु संगम। तो वो लोग करते हैं मगर बहुत जल्दी ही माया के अटैक में आ जाते हैं। तो वो एक इसको कहते हैं डमी स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे होते हैं। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ तो वो सोपर जी रहे हैं मगर वो डमी है। डमी इन द सेंस, जैसे ही उसके ऊपर कभी माया ने हल्का झटका दिया वो वही गिर जाते हैं। इसलिए साधु संघ श्रवण है वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग कैसे होगा? जब हम हर बार सुनते समय एक पॉइंट एक धागा ले जाएंगे जब हम हर बार एक धागा ले जाएंगे और अपने कवच में लगा लेंगे तो हमारा कवच और स्ट्रांग होना चाहेगा। और उस शिक्षा को हमें अपने जीवन में डालना है, कोशिश करना है कि जैसे सुबह सुना शाम को सुना, तो सुबह जो हमने किया वो जो लाइन सुना एक लाइन,
आज शाम तक हम प्रैक्टिस करें, उस थॉट प्रोसेस में रहें कि उसको कैसे हम अप्लाई करें। मतलब हमारा बैक ऑफ द माइंड हमारा दो चैनल का टीवी है, सबको पता है हमारा दिमाग दो चैनल का टीवी है, हमारा दिमाग दो चैनल का टीवी है। मन एक होता है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में तो हम बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, है ना? जैसे माता खाना बना रही है, कॉन्शियस माइंड में तो वो खाना बना रही है, नमक डाल रही है, हल्दी डाल रही है, उसको पता है कितना क्वांटिटी डाल रही है। ये वो कॉन्शियस माइंड, एक होता सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा चैनल है वो बड़ा खतरनाक है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या चिंतन कर रहा होता है कुछ पता नहीं है। कभी कभी तो भक्तों के संग में रहकर भी वो कहाँ की चिंता कर रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की पुरानी पुरानी बातें भी याद कर रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की अटैचमेंट्स भी आ रही होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातें भी याद आ रही होती है, पता नहीं कौन कौन से हमारी अट्रैक्शंस भी याद आ रही होती है हमें। वो तो दूसरा चैनल है, वो बड़ा खतरनाक है। जब करते समय आप देखिए जो जब कर रहे हैं वो तो हमारा फ्रंट चैनल फर्स्ट चैनल में चल रहा है, वहां बैक चैनल में क्या चल रहा होता है? बातें भी हैं, कई बार सेवा भी चल रही होती है, कई बार सेवा चल रही, चलो फिर भी ठीक है, मगर सेवा भी नहीं चलनी चाहिए। जबकि ये मूल स्थिति ये है कि जहाँ हमारा दूसरा दिमाग दूसरा चैनल भी है वो सिर्फ सुनने में लग जाए, फर्स्ट चैनल करने में लग रहा हुआ है, दूसरा चैनल सुनने में लग जाए, ये हमारी चैंटिंग की पूर्ण स्थिति है। प्रभुपाद की लाइन आती है, चैंटिंग इज हियरिंग फुल स्टॉप। प्रभुपाद की लाइन कहती है, प्रभुपाद से पूछा बड़ी चैंटिंग, चैंटिंग इज हियरिंग फुल स्टॉप। तो फर्स्ट चैनल तो हो सकता है हमारे मन के मतलब आगे आगे कर रहा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, मगर दूसरा चैनल जिस दिन सुनने में लग गया प्रॉपरली पूरे 16 अक्षर 108 बारी और 16 मतलब 1728 बारी एक एक चीज उसने 1728 इंटू कर लिया अगर हम, तो वो चीज अगर हम उतनी बार कर ले 1728 इंटू 16 उतनी बार कर ले तो हम पूर्ण समाधि स्थिति में पहुंच सकते हैं। बट हमारे सबकी एटलीस्ट मेरी क्या होता है कि दो माला तीन माला चार माला फिर भी लगता है हम थोड़ा बहुत एक 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 दो दो सुन रहे हैं, मगर उसके बाद क्या होता है धीरे 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 डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। तो हम पूर्णतः सेकेंड चैनल जो है हमारे माइंड का उसको हियरिंग में नहीं लगा पाते, वो सेकेंड चैनल दो तीन माला के बाद भागना शुरू हो जाता है, कुछ 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 को दिमाग में आया आज क्या सब्जी बनानी है ना, आज कहाँ क्या काम करना है, आज किसके ये बात करनी है, आज इसको वो बात करनी है, वो सारा सेकेंड चैनल, ये जो सेकेंड चैनल है यही सबसे खतरनाक चैनल है। जिस दिन ये कंट्रोल में आ गया हम फटाफट 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 समाधि स्थिति की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अगर सेकेंड चैनल को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कवच, कवच ऑफ साधु संघ। तो जब हम दोबारा से मैं बोल रही हूँ, दोबारा से पॉइंट कनेक्ट कर रही हूँ, हम पूरा दिन बहुत सारे कार्यों में बिजी हैं, मगर जब हमारा सेकेंड चैनल पूरा दिन से भी इस थॉट प्रोसेस में है कि आज जो सुबह सुना था उस सुने हुए जो प्रभुपाद की लाइन पड़ी थी उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसको कैसे अप्लाई करूं, सेकेंड चैनल अगर इसी उधेड़बुन में लग जाए तो उसको एक जगह फोकस करने की आदत पड़ जाएगी, और जैसे उसको एक जगह फोकस करने की आदत पड़ जाएगी तो चैंटिंग में वो हियरिंग पे भी फोकस कर पाएगा। वो फोकस नहीं होता ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट चैनल कार्य कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्मानंद का ध्यान नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी अपनी सेवा नहीं करेंगे। फर्स्ट चैनल सेवा करेगा और सेकेंड चैनल मेडिटेट करेगा उस पॉइंट के ऊपर जो हमने पिछली क्लास में सीखा, और वो धीरे 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 रियलाइजेशन बन जाएगा। रियलाइजेशन समझते हैं? रियलाइजेशन का मतलब बताएं, हम कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज रियलाइजेशन? सेंस परसेप्शन को देखने लगेंगे, मतलब
अनुभूति होने लगी, दलाई जी का अनुभूति। एक तो हिंदी अनुवाद था, इसका अर्थ क्या हुआ? जब वी कैन वी स्टार्ट परसीव, परसीव देख सकते हो ओके। और वो बताएंगे रियलाइजेशन मीन्स? ये वो ज्ञान हमारे जीवन का अंग बन जाता है, ज्ञान हमारे जीवन का अंग बन जाता है। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उससे फीडबैक आया, जो फीडबैक आया तो विज्ञान हो गया, ज्ञान और विज्ञान, जो विज्ञान में आ गया हमारे आचरण में आ गया, उसके बाद हमारे रिलेशनशिप का सिखाने लगा, तो विज्ञान हमारे आचरण या हमारे अनुभव में ऐसे जब कुछ होता है उसको विज्ञान की बॉडी होता है, उसको बॉडी तो रियलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में होते हुए देख सकते हैं, हमारा जीवन का वो अंग बन जाएगा। दूसरी बात एक और भी है कि जहाँ हमारे बहुत सारे भजन, हमारी बहुत सारी आरतियाँ, हमारी बहुत सारी रीडिंग जो हमने की है, उसके इधर उधर के तार जुड़ना शुरू। अच्छा अच्छा, हाँ प्रभुपाद ने वहाँ भी ये बोला था, अरे उस भजन में भक्तिनाथ ठाकुर भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे हाँ वहाँ तो जो हमने पढ़ा था, वो लेक्चर सुना था, उस लेक्चर में तो ऐसे बोला गया था। यू नो, यू स्टार्ट कनेक्टिंग सो मेनी थिंग्स। एक पॉइंट के ऊपर आपका बहुत सारा जो आप सीख रहे हैं वो चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, और तब आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आने लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम एक चैप्टर पढ़ते समय, एक चीज को समझते समय कई बार थोड़ा सा ध्यान दें, मेडिटेट करें, तो बहुत सारी चीजें भगवद गीता का, भागवतम का, उस लेक्चर का, श्री प्रभुपाद की उस पदपट का, है ना, प्रभुपाद की छोटी बुक का एक लाइन, कोई कोई चीजें लाइन आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, लगता है हाँ वहां पर ये कहा गया था, ये भी ये कहा गया था, है ना, एंड दिस मीन्स, अच्छा इसका मतलब ये हुआ। तो जब हम हायर डिवोटी से सुनते हैं, जो बहुत अच्छे डिवोटीज होते हैं उनसे सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज हमारे को जो हमारा ज्ञान है वो रियलाइजेशन से बदल जाता है। तो जैसे मैं, मेरे को हमेशा लगता है कि जब भी कभी मैं लीला पुरुषोत्तम प्रभु को सुनती हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने प्रभुपाद की बुक से पढ़ रखी होती है वो उस जगह पे आके असेंबली करना शुरू हो जाती है, मुझे लगता है कि वो वहां पर आके कनेक्ट करना शुरू हो जाती है, वो रियलाइजेशन जैसा लगता है कि हाँ अच्छा 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 वो जो पढ़ रहा था उसका मतलब ये है। तो बहुत सारी भागवतम और भगवद गीता की बहुत सारी चीजें वहां पर वो अपने आप कनेक्ट करना शुरू हो जाती है, और उसके बाद उसका रियल मीनिंग सामने आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक सेल्फ रियलाइज सोल्स का। जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं उनके मुख से जब भी निकलते हैं, गुरुराज में बात सुनेंगे तो आपको फटाफट ना कुछ चीजें इधर उधर की चीजें जुड़ना शुरू हो जाएंगी। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे डीप में, एक्चुअली प्रभुपाद की बुक्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों की कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड कर जाता है, हम कई बार उसको बस रीडिंग की तरह पढ़ देते हैं, है ना, हम उसको मनन नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको पढ़ देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद की बुक्स हमारी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। जब हम इस भक्ति के लेवल पर थे सेम लाइन पढ़ते थे तो कुछ और मीनिंग निकल रहा था, वही बुक हम जब इस लेवल पे आए हैं तो कुछ और मीनिंग निकल रहा होता है, और थोड़ा सा ऊपर निकल रहा था तो कुछ और मीनिंग निकल रहा होता है। सो दैट इज वाई प्रभुपाद की बुक्स बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अगर एक किताब, एक छोटी किताब को भी हम अपने जीवन में अलग अलग लेवल पे पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि प्रभुपाद ने हर किताब में ही एक तरह से पूर्ण ज्ञान दे रखा है, उसके बियॉन्ड हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर सब चीजें परफेक्शन के साथ पहले से ही बता दी गई है, वो हमारी रिलेशन पर डिपेंड करता है कि हम कितना समझ पा रहे हैं उसमें से। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय।